नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं। और वहीं पर कश्मीरी पंडित की बात करें, यानी कि पीएम पैकेज के तहत जो लोग कश्मीर घाटी में लगे हैं उनकी बात करें तो लगातार मांग की जा रही है रिलोकेशन की, लेकिन मांग को पूरा नहीं किया गया। वहीं पर आपको बताते चले कि 200 दिन से ऊपर हो चुका है मांग करते हुए, लेकिन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। और एक बार फिर कश्मीरी पंडित की बात करें तो सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया अपनी मांगों को लेकर, सड़क पर उतरे लेकिन फिर भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और वहीं पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन लगातार जो है वो किया जा रहा है। वहीं पर मैं आपको फिर बताती चलूं कि 200 दिन से ऊपर हो चुका है लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, 200 दिन से ऊपर हो चुका है, लगातार आप मांग कर रहे हैं लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ है? आज 216 दिन हो गए हैं, ये मांग रहे हैं कि अपनी जान की सुरक्षा, उसके साथ साथ जो इनकी सैलरीज बंद है, पिछले चार महीने पाँच महीने से उसकी सैलरीज बंद है, वो इनका हक है। ये खुद तो नहीं बैठे हैं, टारगेट की लिंक सबको पता है। कल माननीय अर्जुन साहब ने भी खुद माना है कि 90 में किन परिस्थितियों में इस कम्युनिटी को वहाँ से पलायन करना पड़ा, कैसे निकाला गया इनको, रातों रात करोड़ों की जायदादें छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के जान बचाने के लिए। तो आज भी वही मुद्दा है। देखिए, जब गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, इसका मतलब तो यही है, या तो गवर्नमेंट की पास रिपोर्टें ठीक नहीं जाती है, या तो जो कश्मीर डिवीज़न की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चीज़ों को छुपा रही है कि करोड़ में क्या है। आज जो कश्मीर जो जेल के देख रहा है वो गृह मंत्रालय देख रहा है, या तो रिपोर्टें गलत जाती है कि करोड़ में क्या है, जब वहाँ का पड़ोसी हमारा मुसलमान भाई खुद कह रहा है कि आज हालात ऐसे नहीं है। जब शुपियन में टारगेट किलिंग हुई है, उस टारगेट किलिंग में उनके पड़ोसियों ने खुद बोला है कि देखिए अब हम गारंटी, अब तो हमें गारंटी, अब हम भी नहीं दे सकते आपको गारंटी। यही हाल है यहाँ, जो ये मुलाजिम है गवर्नमेंट के पास एकोमोडेशन भी उतरी नहीं है जहाँ ये उनको रखे, रख तो क्या बंद करेंगे, एक पंच एक बंद कहीं ना रख सकते हैं इनको। दूसरी बात ये है कि जो कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कुछ ऐसे लोग, कैसे मैं आंसर बोलूँगा उनको, जो ये नहीं चाहते कि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक होकर एक जबू नया कश्मीर बनाए, वो उनको पसंद नहीं है, वो ये खुद दिख रहा है। वरना अगर सब कुछ गवर्नमेंट पता तो रिपोर्टें गलत क्यों जाती हैं? ऐसे विभाग क्यों हैं जो जिन्होंने तनख्वाही रोकी है, कुछ विभागों ने तनख्वाही रिलीज कर दी है, तो ऐसे विभाग है जिन्होंने तनख्वाह इनके बंद कर दी है। कि सरकार तक आवाज पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इस पर क्या कहेंगे? इसका सीधा मुझे मतलब है, देखिए इतने आप 2 साल से आप खुद देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक ड्यूटी लगाई है सेंट्रल मिनिस्ट्री को आने के लिए, मगर इस कम्युनिटी को, ये इतनी दरकिनार की गई कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के पास एक मंत्री भी नहीं आया है। जो क्वार्टर बने उन क्वार्टर की हालत क्या है, क्या इनको दवाई के लिए सुविधा है, क्या अस्पताल की सुविधा है, क्या उन क्वार्टरों की देखरेख हो रही है, क्या पानी इनको साफ मिल रहा है? अगर आप जगती में, जो इतना बड़ा टाउनशिप है जहाँ 5000, अगर आप वहाँ के कम्युनिटीज हाल देखोगे, उनकी बुरी हालत है, बुरी हालत इतनी है आप मतलब इंसान को नफरत हो जाती है वहाँ कोई फंक्शन करे, वहाँ कोई शादी ब्याह या कोई भी दुख दर्द होता को करे, मतलब इसमें जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे लोग वो नहीं चाहते इन चीज़ों को, या तो वो लातर करते या वो आगे वो रिपोर्टें नहीं देते हैं जो देखने में आया है। वही हालत है कश्मीर में, जो कश्मीर डिवीज़न की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इन चीज़ों को या तो वो पूरी रिपोर्ट आगे देते नहीं है कि क्या सिचुएशन है, मिलिटेंसी कहाँ है, कैसी है, किस तरह है, कहाँ, जब खुद आप देख रहे हैं जो लिस्टें निकल रही हैं, क्यों मिलिटेंट के पास वो लिस्टें पहुँच जाएंगी, क्यों वो लिस्टें सार्वजनिक हो जाएंगी, उस पर भी बाद में आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि जिस तरीके से काफ़ी महीने हो चुके हैं सैलरी को बंद पड़े हुए, तो किस तरीके से घर का गुजारा निकालते हैं, और लगभग कितने महीने हो चुके हैं सैलरी को बंद पड़े हुए? मैम, सितंबर से तो सैलरी बंद है हमारी, तो अभी मतलब काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी अभी तक सैलरी आई नहीं है, मतलब जब से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हमारी सैलरी हमारी नहीं है, हमारे बच्चे भी इसको डिपेंड करते हैं, हमें फीस देनी है, हमें ऊपर से हमें कश्मीर के अलग मतलब स्कूल में एडमिशन किया है बच्चों का, उनको अलग से फीस भरनी है, यहाँ पे फिर एडमिशन किया, यहाँ फिर बच्चे भी दरफदर, और हमारी सैलरी भी नहीं, हम सड़कों पे आए, हम मजबूर हो गए, प्लीज़ हमारी बातों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
और वहीं पर आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जिस तरीके से गुजारे की बात करें, फैमिली का घर खर्च वो किस तरीके से निकालती है, क्योंकि काफी महीने हो चुके हैं सैलरी को बंद पड़े हुए, तो किस तरीके से घर खर्च? मैम जो अभी तक जितनी सैलरी से जो कुछ बचाया है वो उसी से अभी चला रहे, तभी हम मजबूर हो गया सड़कों पे, ताकि वो हमारा पिछला जो बैंक बैलेंस है वो खत्म हो गया, तो फिर हम आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाओं की बात करें, लगातार मांग की जा रही है रिलोकेट की, महिलाएं भी सड़क पर उतर चुकी हैं, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से बीते समय की अगर बात करें तो जिस तरीके से बीते समय में आपने देखा ही होगा कि 57 कश्मीरी पंडित की बात करें तो उन्हें धमकी जो है वो दी गई थी, लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, और वहीं पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे इनसे भी क्या कुछ इनका कहना है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछले समय बीते समय की बात करें तो 57 कश्मीरी पंडित की लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, एक धमकी बड़ा लेटर जो है वो दिया जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा है अमानवीय और असंवैधानिक अप्रोच है इस टाइम पे गवर्नमेंट का हमारे प्रति। आप अगर इस व्यवस्था को देखें, पिछले 220 दिन से हम लोग सड़कों पर है, एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स में 1947 से पहले देखा था कि हम भारत को आज़ाद करेंगे ताकि हर किसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, और आज वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो एक नेशनलिस्ट फोर्स है वो सड़कों पर बैठी है और डिमांड क्या कर रही है, डिमांड कर रही है कि आप हमारी जानों को बचाइए। जानों को बचाने पर जो डिबेट होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, उसके विपरीत आज हमारी सैलरीज बंद की जा रही है। आप देखिए, एक परिवार जब पिछले 30 साल से विस्थापन की जिंदगी जी रहा है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है उसका ये सैलरी, इस सैलरी से वो अपने परिवार का जो उसका निर्वहन है, उसका जो पालन पोषण है वो करता है, लेकिन एक मुलाजिम जिसकी सैलरी 2-3-4-5 महीने से बंद है, आप मुझे बताइए वो आज के इस जमाने में अपने परिवार को कैसे पालेगा। उसके बावजूद आप देखिए थ्रेट लेटर्स आती जा रही है, हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों का संज्ञान ले रही होगी और एजेंसीज अपना काम कर रही होगी, लेकिन एज एन एम्प्लॉय, एज ए कॉमन इंसान, मेरा भी एक दायित्व बनता है अपनी जिंदगी की गुहार लगाना। चलिए आपसे बाद में बात करेंगे सर, आपसे जानना चाहेंगे थ्रेट लेटर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिससे कि बीते समय की बात करें तो जिस तरीके से थ्रेट लेटर जो है वो दिया जाता है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए जो थ्रेट लेटर है ये LG साहब के कल के उसके स्टेटमेंट की पोल खोल देते हैं। कल LG साहब ने कहा कि एक तो इनकी डिमांड जो थी प्रमोशन की, आप हमें 216 दिन से कवर कर रहे हैं, क्या हमारी कभी ये डिमांड रही प्रमोशन की? हमारी डिमांड रिलोकेशन की थी पहले दिन से ही, आज भी वही है। और उन्होंने बात की, स्टेटमेंट की बात की है, तो क्या LG मनोज सिन्हा ने ये ट्वीट करके लिखा हुआ है? कल उन्होंने जो एक प्रेस वार्ता में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इनकी डिमांड जो है वो हमने पूरी कर दी, इनकी डिमांड जो थी वो प्रमोशन की थी, और हमने ट्रांसफर कर दी है इनको सिक्योर प्लेसेस पे, और जिस लिस्ट की वो बात कर रहे थे, ट्रांसफर लिस्ट जो आया था, उसी ट्रांसफर लिस्ट को TRF ने जो धमकी एक कुछ दिन पहले जो धमकी आई TRF की तरफ से, वही लिस्ट उठा के पेस्ट कर दी उस पे, और उस लिस्ट में जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी, तो आतंकवादी जो संगठन TRF है वो खुले आम धमकी दे रहा है कि इस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे आप हो, आपको यहीं पे मारा जाएगा। तो LG साहब के उस जो दावे की वो पोल खोल देते हैं, जो उन्होंने ट्रांसफर की बात की और सिक्योर अकोमोडेशन सिक्योर प्लेसेस की बात की, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा LG साहब से कि LG साहब आप थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाइए। देखिए हम 216 दिन से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं आपसे कि आप हमसे मिलिए, हमारी डिमांड को सुनिए, हमारी डिमांड मानिए, लेकिन आपने हमसे मिलने के बजाय जो सप्रेसिव ऑर्डर्स निकलते रहे, चाहे वो शोकाज नोटिस हो या सैलरीज हमारी बंद कर दी आपने, तो आप मजबूर कर रहे हैं एक एम्प्लॉय को कि वो वहाँ जाए और गोली का शिकार हो जाए। तो जो प्रशासन है अभी का प्रशासन बड़े एडमेंट तरीके से इन्होंने एक अप्रोच बना के रखा हुआ है। हमारी डिमांड है LG साहब से कि आप एक या तो कमेटी का गठन करिए, जो कमेटी हमसे बात करेगी और आपसे भी बात करेगी, या हमें टेबल पे बुलाइए। आपने कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, तो आप बताइए बातचीत के दरवाजे अगर खुले हैं तो क्यों नहीं मिल पा रहा? कमेटी पे कमेटी जो है वो गठित की जाती है, PM पैकेज यानी कि आपकी बात करें या नॉन PM पैकेज की बात करें, लगातार मांग कर रही है लेकिन मांगों को सुना नहीं जा रहा है। एक सेंसिटिव इशू है, एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसे सुनना चाहिए, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? वहीं पर रविंदर राणा जी से मुलाकात होती है, क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ आमने सामने आपने बातचीत की है इस मुद्दे को लेकर? देखिए रविंदर रैना जी ने जो बोला है वो ऑन द मीडिया बोला है, उन्होंने कहा ऐसे हालातों में वहाँ कहाँ जा पाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि सैलरीज LG साहब को रिलीज़ करनी चाहिए, और जो कमेटी बनी है
उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन डाली होगी कि सैलरीज रिलीज करो, लेकिन तब से बने हुए 2 महीने हो गए लेकिन सैलरीज ऑन ग्राउंड रिलीज नहीं हुई है और एक कोई रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स भी सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है कि एम्प्लॉयज़ को करना क्या चाहिए। एम्प्लॉयज़ को टोटल इग्नोर कर दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन छोड़ दिए गए हैं, या तो आप कश्मीर में जाके गोली खा के मर जाइए, नहीं तो आप यहाँ पर बैठे बैठे जब तक सैलरी नहीं मिलेगी धीरे धीरे मर जाइए। तो ये एक गुड गवर्नेंस नहीं है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा अगर लोग सड़कों पे हैं वो अपनी राइट टू लाइफ के तहत लड़ रहे हैं। आपको हक था, आपको इनको डे वन पे ही समझ जाना चाहिए था कि वहाँ की सिचुएशन कैसे है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप किस ग्राउंड सिचुएशन को समझ रहे हैं जबकि हम 12 साल से उस ग्राउंड सिचुएशन को समझ रहे हैं। आप राहुल भट्ट की किलिंग देखिए कैसे हुई है, दीपक चंद सुपिंदर कौर की, जब आइडेंटिटी कार्ड देख के मार देते हो किसी को, यानी कि उसके पीछे एक रैकी है, एक रैकेट है, आपने वो बस्ट किया क्या? अगर आपने बस्ट ही किया होता तो आपको बोल देना चाहिए कि आज से कश्मीर टेरर फ्री जोन है, अब आगे से कोई भी किलिंग नहीं होगी। ये एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होता है, ऐसा रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आया नहीं है। स्टेटमेंट आए हैं तो बस हमने ट्रांसफर कर दी, प्रमोशन कर दी। वही आपको लगातार 200 दिन से ऊपर हो चुका है लेकिन मांगे पूरी नहीं की जा रही, कोई भी मांग है, सैलरी की बात करें तो सैलरी को रिलीज नहीं किया जा रहा, तो अब कब तक आप अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे? जब तक ये हक का फैसला नहीं होगा लड़ाई तब तक चलती रहेगी, जब तक इसका कोई फैसला नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए ना, 7 महीने से अगर हम कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर इसका फैसला नहीं होता तो एक मैसेज आता है कि हम क्या 7 महीने से झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं? जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम बिल्कुल हकीकत पे हैं और आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे इसका। हमारे पास तो सारे सवाल हैं, आप आंसर दीजिए ना। आप रिहैबिलिटेशन की बात कर दिया, क्या आपका रिहैबिलिटेशन प्लान पूरा है? और रिहैबिलिटेशन की बात तो छोड़िए, अगर प्लान पूरा भी होता उसमें आप राहुल भट्ट को देख लीजिए। राहुल भट्ट तो एक सिक्योर्ड अकोमोडेशन में रहते थे ना, लेकिन मारे तो ऑफिस में गए। यानी कि जो नेक्सस है टेररिस्ट का, आपको पहले वो बस्ट करने की ज़रूरत है। आप कर क्या रहे हैं? आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पर काम नहीं कर रहे हैं, आप बाद में काम कर रहे हैं। कि आप ये बोल रहे हैं हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया, ये न्यूट्रलाइज़ कर दिया, लेकिन ये कभी नहीं बोल पा रहे कि पूरा टेरर फ्री जोन हो गया। हाँ आप बोलते हो कि आप डिक्लाइन किया है, जिस दिन जीरो हो जाएगा आप रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे दीजिए। भाई अगर बीते समय की बात करें तो राजभवन के सामने भी आप बैठे थे, राजभवन के सामने आपने गुहार भी लगाई थी, क्या एलजी मनोज सिन्हा से एक बार भी मिलने का मौका जो है वो आपको मिला? देखिए हमारी सिर्फ एक मुलाकात एलजी साहब से हुई है जो स्टार्टिंग में ही हुई थी, आफ्टर द किलिंग ऑफ राहुल भट्ट जी। उन्होंने इनविटेशन भेजा था और उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं और आप के लिए आपके हित में फैसला लिया जाएगा। और हमने 24 अगस्त को उनको मेल भी की थी कि हम मिलना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि आपके टेबल में काफ़ी चीज़ें, ये केस रुका हुआ है। 24 अगस्त की मेल हमने डाली थी तो उसमें भी रेस्पॉन्स नहीं आया। कल भी एल जी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, अब हम आपके सामने फिर से कूच करेंगे, उनकी तरफ एक मेल डालेंगे कि हमसे मिल लीजिए। हो सकता है उनके माइंड में भी कोई अच्छा बेटर प्लान चल रहा होगा जिसमें वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कर सके और एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान की बात कर सकें। मैं समझता हूँ कि जो इतने ऊंचे पद पे बैठते हैं उनको इन मसलों का बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं और हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें फ्री छोड़ देते हैं कुछ भी समझने के लिए, टू गेट अ फ्री थॉट्स। ये फ्री थॉट छोड़ने के लिए फिर प्राइमरी गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है कि अगर वो फ्री थॉट्स ले रहे हैं, या तो आप कुछ कन्वे कर दीजिए जिससे एम्प्लॉयज तो समझ सके, अदरवाइज एम्प्लॉयज की सोच तो रेबेलियन ही होती जा रही है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पर आपको फिर बताते चले कि लगभग 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं लेकिन मांगू अभी तक पूरा नहीं किया गया। भाई पर सैलरी की बात करें तो सैलरी को भी अभी तक रिलीज नहीं किया गया। तो सीधे आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर किया जाता है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने दिखाई है कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया और वहीं पर पैदल मार्च भी की गई। नंगे पाँव की बात करें यानी कि कोई शूज कोई चप्पल किसी ने भी नहीं डाली थी, नंगे पाँव पैदल मार्च यात्रा भी की गई थी, लेकिन फिर भी सरकार तक गुहार की बात करें जिस तरीके से लगातार लगाई जा रही है आवाज जो है वो नहीं पहुंची जा रही है। वहीं पर इनका साफ तौर पर ये कहना है कि एलजी मनोज सिन्हा से एक बार हम बातचीत करना चाहते हैं, आमने सामने हम बातचीत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सैलरी रिलीज की जाए, रिलोकेट किया जाए, तो एक बार वो जरूर सुने। और जिस तरीके से इन्होंने अपील की है और भाई पर मैं आपको फिर बताते चलूं कि 200 दिन से लगभग 200 दिन से ऊपर हो चुका है लेकिन सैलरी और रिलोकेशन यानी कि दोनों जिस तरीके से मांग कर रहे हैं अभी तक पूरी नहीं की गई। इसको लेकर आपके क्या कुछ विचार है? अपने विचार जरूर रखेगा।